गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज रवि एंड वेलकम बैक टू माय दिस ब्लॉग। हेलमेट का ये रहा, आप वाला तो सर पहले नहीं है। सो गाइस, अभी हम लोग जगह में, वेल अभी 10 o'clock हो गए एंड हम लोग जा रहे हैं बाइक ड्राइविंग के लिए। बारिश हो रहा है, बारिश का मौसम काफ़ी अच्छा। ये लड़के से पहले मैं कुछ सेटअप कर लिखा था भाई। जिससे हम लोग आए थे यहाँ पे आज अभी तक राइड करके। वाह, क्या मस्त लग रही है ना बाइक हमारी। तो गाइस, यहाँ से हम अभी कहीं दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं। हम अब कहाँ पे चले हम लोग? अभी चलते हैं यहाँ पे कहीं पे चाय पी के आते हैं। बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। तो हल्का हो गया बिना चाय के बात नहीं हो रही है। और हाईवे पर तो काफ़ी मस्ती करी हम लोगों ने, बहुत सारे अच्छे अच्छे मस्त मस्त वाले वाइड एंगल में फोटो भी निकाले हमने। पता नहीं गोपाल पिक्चर कैसी होगी, रिफ्लेक्शन कैसा रहता है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और बारिश में भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और हम लोग भी सोच रहे हैं कि अब जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक कहीं ना कहीं घूमते रहें और देखते हैं। मेट्रो का ये देखो, मेट्रो चल रही है। मेट्रो से तुम बस मस्त यहाँ से आ रही हो, आप मज़ा आ रहा है।
आ गया आज का मॉर्निंग है। अरे गाइस जब आ गए थे कहाँ पर चलते हैं लोग, बहुत सारे लोग मेट्रो में जाके किनारे के नीचे रुके हुए हैं बारिश की वजह से, कुछ लोग मजदूर में रुके हैं और लोग खुशी में घूम रहे हैं। तो गाइस टैक्सी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने हेलमेट लगा लिया क्योंकि बारिश का भी मौसम हो रहा है, हेलमेट ना तो बहुत दिक्कत है। और सेफ्टी के साथ साथ चलान भी बहुत गंदा हुआ लगता है दिल्ली में, तो है कोई ट्रैफिक पुलिस मिले ना मिले चलान ऑनलाइन कट जाती है हमारी घर। दोस्तों देखिए हम लोग बारिश में निकले हुए हैं और उम्मीद तो नहीं थी कि इतना ट्रैफिक होगा, बट उसके बाद भी यहाँ पे इतना ट्रैफिक है। देखिए निकलने के लिए रास्ता नहीं है, खैर कोई बात नहीं, बारिश में ट्रैफिक होता है दिल्ली में, और कहीं होते तो शायद इतना ट्रैफिक ना मिलता, बट बारिश में यहाँ पर ज़रूर ट्रैफिक मिलेगा। और देखिए फिर से रुकना पड़ेगा लगा, तेल भी कम हो गया है, तो GoPro की बैटरी ख़त्म हो गई है और आप ब्लॉग करने भी ख़त्म हो सकता है, बट कोशिश करेंगे तो आपको बताते रहें। यहाँ पर मेरा एक बड़ी मस्त दुकान है जैन चिकन की, आप हाजिर पड़ती है यमुना बैंक वाले, तो मेरा तो प्लान यही था कि वहाँ पर जाके हम लोग चाय पीते कम से कम, पकौड़े खाते पनीर वाले, पर अब देखते हैं पनीर वाले पकौड़े हमारे नसीब में है या नहीं है। मौसम तो अभी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा और आगे जाने का मन भी नहीं कर रहा, ठीक है चलते हैं। अरे सामने है तो ठीक है, काम दिख कर तो जाम बहुत ज़्यादा है हाईवे पर दोस्तों, मैं तो यही आपको कहूँगा कि बारिश में निकलिए बट ज़्यादा दूर भी मत निकलिए हाईवे पर, दिल्ली में तो पता नहीं कब कहाँ आपको जाम मिल जाए, दिल्ली का तो यही रोना है, सबसे यही प्रॉब्लम है। अगर ये कार्ड से पेमेंट ले लेंगे तो हम लोग पकौड़े खा लेंगे, नहीं तो यहाँ तक आने के बाद घूम के वापस ही जा सकते हैं लोग। तो गाइस ये है स्पेशल पनीर पकौड़ा चिकन जी, हम शायद क्या ये मिल जाए हमें, देखते हैं। हाँ हाँ चाय पियेंगे, चाय कर दो और वो पकौड़े मिक्स वाले, मिक्स वाले दो गाइस, पैसे सब लेके तो आए नहीं, नई फोन लेके आए, तो डेट से हम लोग ऐसे कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, बारिश में ये सबसे अच्छी चीज़ है, पैसे ना हो फिर भी चाय कोई नहीं रोक सकता पीने से, ठंड तो बहुत ही ज़्यादा लग रही है। और यहाँ से आइडम में भी कहाँ पे जाएंगे हम लोग,
बड़ा मज़ा बहुत आ रहा है घूमने में और इन्जॉय करने में इस बाइक को, क्योंकि इस ईयर का ये सबसे पहली बाइक है जिसमें हम लोग बाहर निकले हुए हैं अपनी बाइक से। तो गाइस हमारी चाय आ गई है, एक में चाय दोगे पकौड़े भी रखे होंगे, ये जल्दी जल्दी चाय पीते हैं वरना 10 रुपये पानी मिलावट हो जाएगी, जल्दी पानी की मिलावट हो जाएगी। तो बारिश वाली चाय ठंड में मज़ा आ गया, मज़ा आ रहा है। तो ये हमारा पकौड़ा, ये है चटनी और ये हमारी चाय। वाओ, पता है चाय खत्म हो गई इनके पास, थोड़ा सा दूध तक तुमने हमारे लिए बनाई है बस। मैं आपको सबसे बड़ी बेनिफिट्स बताता हूँ बारिश में चाय पीने का। जब भी आप बारिश में जाकर चाय पीते हो तो चाय जितनी पीती नहीं उतनी से ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी चाय। मज़ा आ गया। खैर पकौड़े, ओहो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? तो हम लोग आए यहाँ पे एक जैन सिकंजी ढाबा करके है, हाई पर ही यमुना बैंक पे पड़ता है और बारिश अभी भी बहुत तेज़ हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो अगर आप कभी दिल्ली में रहते हैं, आपका फिर यहाँ आने का प्रोग्राम बनता है तो ज़रूर आइए और यहाँ के चाय और पकौड़े ज़रूर ट्राई कीजिए। शिकंजी तो खैर अच्छी भी देते ही हैं ये लोग, साथ में पकौड़े भी बहुत अच्छे देते हैं, मिक्स पकौड़े और पनीर पकौड़े। प्राइस बहुत ही जेन्युइन है हाईवे पर, यहाँ पर दूर तो कुछ नहीं है। तो इसकी जो लोकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कभी आपका प्लान बनता है आने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सॉलिड देते हैं ये लोग, मज़ा आ गया। और बारिश ऐसे मौसम में तो समझ लीजिए ओरिजिनल बारिश वाले पकौड़े हो गए, जो कि शायद घर पे हम लोग खाते तो इतना मज़ा नहीं आता। खैर घर पे खाने का अपना अलग ही मज़ा है, बट बाहर बारिश में इतनी है वो भी दिल्ली में खाई देता क्या बात है, सुहन सोने पर सुहागा जैसा है। और रवि ने भी अपनी चाय ख़त्म कर लिया और एक्चुअली गाइस मेरे में थोड़ी कम चाय थी, मैंने सोचा तो बारिश में जाऊँगा तो थोड़ी देर बढ़ जाएगी, इसलिए मैं बारिश में आकर पी रहा हूँ चाय, इतनी सी मैं थोड़ी देर में बढ़ाने वाला हूँ, मज़ा आ गया। बंद हो गए और अब हम चल रहे हैं पेट्रोल पम्प की तरफ और उसके बाद निकलेंगे घर, ज़्यादा देर रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे पक्का, इतना कोई राय नहीं है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी। तो दोस्तों अभी हमारी काफ़ी मशक्कत के बाद हम लोग जान से बाहर निकल आए हैं और सामने पेट्रोल पम्प है, पेट्रोल पम्प वहाँ से निकलते हैं हम लोग, आगे सराय काले खां आ जाएगा आपका, सामने यूटर्न भी दिया हुआ है और वापस हो लेंगे अपनी मंजिल की तरफ, अपने घर की तरफ। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, खाना भी नहीं खाया, कुछ खाना भी बनाना है घर जाके, बहुत दिक्कत है भाई, कम से कम पूजा थी तो खाना बनाने को तो नहीं पड़ता था। और बहुत थक गए हैं, काफ़ी देर हो गई है और ज़्यादा देर रहने का मतलब है बीमार पड़ रहा है, मैं बिल्कुल भी ऐसे मौसम में बीमार नहीं पड़ना चाहता अभी। दिल्ली के आप रोड देखिए कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है यहाँ पे, मतलब नदी हो रखी है उतना, ठीक है कोई बात नहीं, आइए चलते हैं साथ में। ऐसा कुछ भी तो इतना तो है कि घर से बाहर निकलने में तो मज़ा आ रहा है, बारिश है वो कहीं और मज़ा आ गया। सामने से जो बारिश की बूंदें हैं ऐसा लग रहा है कि एकदम सूर्य चुबा रहा है कोई 1000 मीटर के ऊपर, और हेलमेट के ऊपर बार बार पानी पड़ जा रहा है तो ज़्यादा देर बन नहीं है, मज़ा आ रहा है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं फाइनली 4-5 बार बाइक बंद करने के बाद पेट्रोल पंप के बाद, ये पेट्रोल डलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमने तो चाय पी ली थी लेकिन बाइक को चाय पिलाना बाकी रह गया था। सो बाइक में भी जल्दी से पेट्रोल डलेगी और यहाँ से पेट्रोल डलने के बाद हम शायद घर को निकल जाए और कहीं देखते हैं। वैसे बैटरी मेरी GoPro की 10% रह गई, 10% आई डोंट नो कि कितना ज़्यादा देर तक चल पाएगा। हाँ यहाँ से कहाँ चलेंगे, डायरेक्ट घर चलते हैं ना, घर पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो
ऑलमोस्ट ये देख सकते हो दिल्ली का जो ट्रैफिक है, चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, दिल्ली का जो ट्रैफिक है ऑलवेज टॉप लेवल पे रहता है। बहुत मज़ा आया कसम से, दिल्ली में मुझे लगता है इतना टाइम ऊपर रहते हुए और पहले क्या भी बाहर हुआ मैंने इतना इन्जॉय किया।